अगर आपके पास भी ये सन फ्लेम वाला खाना बनाने वाला मशीन है तो आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे सारा बटन है, और अगर हम इसके पीछे देखते हैं, यहाँ पे इस तरफ पीछे देखिए, ये यहाँ पे देखिए फ़ैन लगा हुआ, यानी यह ठंडा करने वाला ये फ़ैन है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सबसे पहले ऑन कीजिएगा तो ये पहले फ़ैन ओपन होता है, क्योंकि जिसे आप समझ जाइएगा यहाँ पे इसमें लाइन आ रहा है, और जब आप इसको बंद कीजिएगा तो भी ये फ़ैन ऑन होगा, और ये फ़ैन जो है ऑन होने के बाद यहाँ पे ये ठंडा करता है आपका जो मशीन जो गर्म होता है खाना बनाने के लिए, तो इसको ठंडा कर देता है। अभी हम देखिए ये पलक है, इस पलक को हम यहाँ पर लगा देते हैं बोर्ड में। अब देखिए ऑन करेंगे, आपको आवाज़ सुना दिया होगा फ़ैन का। अब यहाँ पे देखिए ये लाइट चल रहा है, यह देखिए लाइट चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ ऑन ऑफ, ऑन ऑफ है। इसके बाद यहाँ पे करंट है, इसके बाद यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह है, ये देखिए वोल्टेज घटाना है बढ़ाना है। इसके बाद ये सब सारे बटन के बारे में बताएंगे कि आगे से काम करता है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लाइन आ रहा है, देखिए अब यहाँ पे हम दबाएंगे, देखिए आपका फैन ऑन हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ऑन हो गया, और यहाँ पे देखिए ये ई को बता रहा है, ये देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अभी बर्तन यहाँ पे रखा नहीं है इसलिए, लेकिन जैसे ही हम कोई बर्तन को रखेंगे, ये देखिए ये बर्तन को हम रख दिए। अब देखिए जैसे ही बर्तन को हम रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आप ये लोड ले लिया है यहाँ पे। इसका मतलब ये हो कि अगर आप बर्तन रखेंगे तभी ये काम करेगा, अगर बर्तन नहीं रखेंगे तो काम नहीं करेगा। और हाँ एक बात और, इस पे एल्युमिनियम का बर्तन काम नहीं करेगा, जब भी काम करेगा स्टील का बर्तन काम करेगा, या फिर इसके लिए स्पेशल जो बर्तन आता है वो काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये पानी गर्म कर रहे हैं। तो पानी गर्म करने के लिए हमको बॉयल्ड वाटर पे करना होगा, ये देखिए बॉयल्ड वाटर है, तो इस पर हम दबा देंगे, ये देखिए बॉयल्ड हो गया। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारा और थोड़ा कम लो पे काम करे मशीन, तो यहाँ पे हम करेंगे ये प्रेशर कुकर पे। अब इसका देखिए प्लस प्लस, और यहाँ पर माइनस कर सकते हैं माइनस। अब यहाँ पे देखिए सूप बनाना है तो ये कर सकते हैं, राइस बनाना है तो यहाँ पे ये दबा सकते हैं इस प्रकार से। तो हमें अभी पानी गर्म करना है, तो यहाँ पे देखिए कम हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा पानी जो या फिर खाना जो बन रहा है वो यहाँ पे मेरा कुछ समय के बाद बंद हो जाए, तो यहाँ पे देखिए टाइमर का समय दिया हुआ है, यहाँ पे टाइमर दबाइए, इसके बाद आप कितने मिनट में बंद कर देना है। तो अगर चाहते हैं कि अगले एक मिनट में बंद हो जाए तो यहाँ पे हम ये कर देंगे, ये हम कर देते हैं, हम कर देंगे एक मिनट पे सेट कर देंगे इसको। इस प्रकार से हम दबाते जाएंगे, ये हमारा एक मिनट हमारा सेट हो गया है। अब जैसे ही एक मिनट होगा हमारा मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर देते हैं और देखिए जैसे ही एक मिनट हुआ ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बंद हो चुका है। अब बंद होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए अब लाइट यहाँ पे सिर्फ लाइट चलेगा, यानी कि हमारा बंद हो गया है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे एक बटन है, ये करंट या वोल्टेज, यहाँ पे दबाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मशीन इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, ये देखिए ये हमारा ये समय पर दिखा देता है। तो इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक अपना बंद हो गया है एक मिनट में, और हमारा पानी भी यहाँ पे देखिए गर्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन बटन से क्या काम करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।